हेलो दोस्तों, वेलकम टू V3 डिज़ाइन हैंडी क्रिएशंस। जैसा मैंने आपको लास्ट डिज़ाइन में बोला था, ये सेम डिज़ाइन का पैटर्न यूज़ करके मैंने दो रेक्टेंगल्स बनाए हैं। देखिए, 1 और 2, एक पिंक में है, एक ब्लैक में है। कितने फंदे लिए हैं, ये हम लोग दोनों रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करके एक पोंचो बनाएंगे। और पोंचो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है, मैं खुद पहनती हूँ। वो आपको एंड में मैं दिखाऊँगी भी वीडियो में कि रेड कलर का वो मेरे कॉम्बिनेशन एंड ब्लैक में उसकी जो मैंने पैटर्न बनाया था वो मेरे डिज़ाइन में ऑलरेडी है। ओके, तो इसमें आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही यूज़ करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना लिया है। तो ये मैंने डिज़ाइन पैटर्न डाला है। फंदे मैंने कितने लिए मैं आपको बता दूँ विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें आई हैव टेकन 90 आप इसमें कास्ट करेंगे, इसमें भी आप 90 कास्ट करेंगे। और उसके बाद इसको आप सेम बुनाई से आपको 55 लाइन्स बनानी है, यहाँ से वहाँ तक, राइट। इंचेस का मुझे नहीं लगता ठीक, क्योंकि वो तो इसमें अगर आपको सेम इस तरह का पैटर्न बन रहा है जैसे डबल क्रोशिया से बनेगा पैटर्न, मेरे लास्ट डिज़ाइन नंबर जो लास्ट डिज़ाइन मैंने अपलोड किया है उसमें ऑलरेडी डिज़ाइन नंबर 7 में है ये, तो उसका प्लीज़ देख लीजिएगा, राइट। अब ये दो रेक्टेंगल्स आप बना लीजिए। अब दो रेक्टेंगल्स को आप कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, नाउ सी, ये आपके दो रेक्टेंगल्स हो गए। इसमें एक सिंपल फंडा होता है कि हम एक दूसरे के लेंथ और ब्रेथ को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरा पूरा लेंथ है ये मैंने पूरा स्ट्रेट कर लिया है, और इसका जो ब्रेथ पार्ट था वो हमने ऐसे करना है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको पहले यहाँ से यहाँ जोड़ना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज हुई थी। वेरी सिंपल डिज़ाइन। तो पहले आपका स्टेप क्या था कि आपको रेक्टेंगल्स बना लेने। देखिए, ये आपके दो रेक्टेंगल्स मैंने आपको दिखाए थे पहले स्ट्रेट। तो आपको इसकी लेंथ लेनी है, इसकी ब्रेथ लेनी है, वो आपका सिलेक्शन है, आपके डिज़ाइन को कहीं भी ले लीजिए। फिर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ना है, तो इसको हम जोड़ते हैं, राइट। दोस्तों, इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर रहेगी, ठीक है। ये जैसे ये देखिए इसकी राइट साइड अंदर है, और ये जो ब्लैक से राइट साइड अंदर थी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको समझाया था, इसको हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए, इसका आप एक उठाएंगे यहाँ से पिन पॉइंट से, और एक इसमें आप डालेंगे फर्स्ट, राइट। ये आपने जोड़ा, सेम वे में आपको पूरा ये कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए ये हो, देखिए फिर अगेन आप यहाँ से लेंगे, फिर ऐसे ले लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपने चेन ली, इसमें आपने निकाला, फिर आपने इसको ऐसे जोड़ा, राइट। अगेन आपने यहाँ से ली, और जोड़ने में देखिए आप जब आप बनाएंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको लग जाए, समझिए। देखिए ये हमने चेन यहाँ से ली, और हमने इस चेन को यहाँ से निकाला, ठीक है। ये फिर हमने इसको उल्टा लिया, यहाँ से यहाँ से निकाला, क्लियर हो दोस्तों। तो ये मैंने क्या किया था, ये आप पूरा यहाँ तक कंप्लीट करिए, इसको ज्वाइन करिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो आपने देखा था ये मैंने ज्वाइन कर लिया था, ये मेरा एल शेप का बन गया, ठीक है। अब ये दोनों इसकी करेक्ट साइड है, इस शेप में आप रख लीजिएगा अगर आप दो कलर्स भी यूज़ कर रहे हैं। अब सिंपली बिना जल्दी देर किए मैं बताऊँ, अब ये जो क्या है, आपने एल शेप में रख लिया। अब देखिए ये जो इसकी ब्रेड्थ है, ये जो है, अब ये इसकी लेंथ से जुड़ेगी ऐसे, समझ गए आप लोग। देखिए ये बस, ये आपको जोड़ लीजिए, देखिए ये आपने कर लिया, राइट। ये आप कैसे आ गया, अब इसको आप जोड़ के और इसको आप सीधी साइड से जोड़ लीजिए, क्लियर हो गया। देखिए इसको हम वन बाय वन ले लेंगे, सिंपल, ये हमने वन बाय वन ले लिया, और इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ के फिर आपको वापस आ गए। वेलकम टू V3 डिज़ाइनर हैंड डेकोरेशंस। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने दो रेक्टेंगल्स को ज्वाइन कर लिया है, पोंचो की शेप आ गई है। ये इसका गला है, और यहाँ से हम गला बनाएंगे। और क्योंकि मैंने ब्लैक एंड पिंक यूज़ किया था, तो ये मेरा फ्रंट पोर्शन होगा। बुनाई मैं ऑलरेडी इसके अपलोड कर चुकी हूँ, और मैंने इसके फंदे भी सारे आपको बता दिए थे कितने कितने मैंने लिए थे। अब मैं इसका आपको गला बनाना सिखाऊंगी, गला मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके नीचे आप फिर किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं,
जैसे कि आपके ये लटकने बन सकती है या फूल बना के लगा सकते हैं। मोती मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मोती का लाइफ जो है गर्म है तो स्वेटर को अफेक्ट करता है। अब देखिए ये मैं फ्रंट में लूँगी, राइट, तो गला मैं इसके पीछे से शुरू करूँगी। सबसे पहले आप इसको ऐसे ले लीजिए, मैंने ज्वाइन कर लिया डबल क्रोशिया, हर एक चेन में आप डबल क्रोशिया ले लीजिए, राइट। देखिए ये आप हर एक गले में लेते रहिए, और आप चाहें तो इसका ब्लैक से बना सकते हैं, तो उसमें भी आप ब्लैक को आप फ्रंट में रख सकते हैं, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आइए, फिर मैं आके आपसे मिलती हूँ। देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ, मैंने ये गले का पूरा बना लिया है, ठीक है। जो आपके इस गले का साइज़ है उसके हिसाब से आप करिए। अब ये मैं आप स्लिप से जॉइन कर लूँगी, ठीक है। देखिए ये गले का इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा शेप देते हैं बॉर्डर का, तो मैं इसमें सोच रही हूँ कि मैं इसमें डालूँगी आपका 2 डबल क्रोशिया एंड 2 आपका उल्टा वाला, राइट। ये स्लिप मैंने बंद कर लिया, तब 2 ले लीजिए, फिर देखिए ये आप लीजिए 2 सीधा, और इसमें आप ले लीजिए ये देखिए उल्टा। ये सारे डिज़ाइंस मैंने अपलोड कर रखे हैं, ये जैसे कि हम इसका मैंने स्टोन का भी आपको पैटर्न समझा रखा है। देखिए तो ये आपको सिंपल लेना है 2 सीधा, और आप क्या ले लेंगे 2 उल्टा, ये मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, इसके मैं 2 सिलाइयाँ बनाऊंगी बस, तो उसका लुक थोड़ा सा एक गले की शेप आ जाएगा। अगेन देखिए 2 सीधा और 2 ये आप पीछे से लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 उल्टा, राइट। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट करना है, 2 सीधा 2 उल्टा, ठीक है दोस्तों। बस आप इस तरीके से कंप्लीट करिए, और इसमें एक रो गले में एक और बना के फिर मैं इसको बंद करूँगी, इसको पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। हेलो दोस्तों, ये देखिए पोंचो अभी रेडी हो गया मेरा। बाद में मैंने इसमें एक फ्लावर और ये बना के कर दिया था। फ्लावर की वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, और ये लीव्स की वीडियो मैं डाल दूँगी। तो ये थोड़ा सा लुक मुझे प्यारा लगा, और इसका ये लुक आ रहा है देखिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको, जैसे मैं दिखा दूँ आपको, ये मैंने सारे ब्लैक लगाए यहाँ पे, और अगर मैं इसको बैक से दिखाऊँ तो ये इसका बैक से है, तो बैक से इसके जो आप नीचे देख रहे हैं ये मैंने सारे इसके अंदर, ये आपके मैंने जैसे ब्लैक पे लगाया है पिंक, एंड पिंक पे मैंने लगाया है ब्लैक। होप आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए। फिर मैं दूर से इसका लुक दिखाती हूँ, देखिए इसका लुक बहुत सुंदर आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।